मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब ठीक ठाक है, हम लोग भी एकदम ठीक ठाक है। और आज ना तुतुन को ब्रेकफास्ट में पैनकेक चाहिए था, तो मैंने कहा कि आप भी पैनकेक मत खाओ, क्योंकि कल रात को ही मैंने कचौड़ियाँ बनाई थी, कचौड़ियाँ तो खाई थी उसने। मैंने कहा कि आज पैनकेक नहीं, मैं शाम को बना दूँगी। तो उसने कहा कि उसको हॉर्लिक्स वाला दूध चाहिए और चॉकलेट बिस्किट। तो मैंने कहा ठीक है, हॉर्लिक्स वाला दूध और चॉकलेट ही आज खा लो, अभी चॉकलेट हॉर्लिक्स वाला दूध और चॉकलेट बिस्किट तो वही खा रही है वो। और मैं अभी आ गई हूँ तुतुन का रूम थोड़ा क्लीन करने के लिए, क्योंकि कुछ दिन से हुआ नहीं है उसका रूम। मुझे एक्चुअली हफ्ते में एक बार मुझे खुद से उसका रूम क्लीन करना ही पड़ता है। वो करके रखती है, अपने हिसाब से क्लीन करके रखती है, बट फिर भी मुझे एक दिन खुद को खुद से उसका रूम साफ करके अरेंज करके रखना पड़ता है, कर देना पड़ता है, क्योंकि उतना उससे उतना सब कुछ एक साथ अरेंज नहीं होता है, कर नहीं पाती है, वो अपने हिसाब से रखती है, फिर मैं करके देती हूँ। और जो ऊपर का सेल्फ है वहाँ पे उसका हाथ नहीं पहुँचता है, तो वहाँ पे वो डस्टिंग वगैरह क्लीन वगैरह नहीं कर पाती है, उसका टेबल वगैरह वो साफ करके रखती है। बट मैं हफ्ते में एक दिन उसका पूरा जो सेल्फ है, टेबल है, ड्रॉर है, और फिर उसका जो बेड है, सब कुछ मैं साफ करके अरेंज करके रख देती हूँ इस तरह से। देखिए उसने कल ड्राइंग किया था ना, तो यही उसका स्केच बुक है, और ये देखिए सब कुछ एकदम वैसे का वैसा ही है। मतलब जैसा ड्राइंग किया, उठ गई रात को, बस उस तरह से ही वो सब फैला हुआ ही है। और अभी मैं थोड़ा सा इसको अरेंज करके क्लीन वगैरह कर दूँगी, तो फिर वन वीक एकदम ठीक ठाक रहेगा, क्योंकि बाकी का तो वो अपने हिसाब से करती है। तो चलिए पहले उसका रूम फटाफट से क्लीन कर लेते हैं। तो उनका रूम क्लीन करके हो गया है, और अभी मैं बना रही हूँ लंच, और लंच में आज उसको खिचड़ी खानी है तुतुन को, तो ग्रीन पीस और वो भी डाल के खिचड़ी उसको बहुत ही पसंद है। एक्चुअली तुतुन जब भी छोटी थी ना, तभी से उसको खिचड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आज भी उसने कहा, अगर कुछ भी मतलब कुछ मन नहीं कर रहा है तो बोलती है कि मम्मी हाँ आप खिचड़ी बना के दो, तो अभी मैं उसके लिए खिचड़ी बना रही हूँ। और मसूर दाल से बनी हुई खिचड़ी उसको ज़्यादा पसंद है, तो मैं वही बना रही हूँ, और इसके साथ मैं गोभी और ग्रीन पीस भी ऐड कर दूँगी। ये देखिए तुतुन का लंच तो रेडी हो गया है। ये रही इसकी खिचड़ी गर्मा गर्म, थोड़ा सा मैंने बटर ऐड कर दिया है, और वो भी एकदम खाने के लिए रेडी, ये ऑमलेट के साथ, और ये रहा उसका पापड़। तो चलिए अभी शाम हो चुकी है और मेरी चाय भी बनके तैयार है, और चाय पीते पीते रात के डिनर की भी तैयारी कर लेंगे। और आज डिनर में मैं बना रही हूँ एक तड़का और उसके साथ गर्मा गर्म रोटी। तो चलिए पहले वो तड़के की प्रिपरेशन कर लेते हैं। मैंने ऑयल में पहले तो गार्लिक, चॉप्ड गार्लिक ऐड कर दिया है, और इसके साथ मैं अनियन को भी ऐड कर दूँगी, चॉप्ड अनियन, और फिर इसको थोड़ा सा हल्का सा ही फ्राई करूँगी मैं, और फिर इसके साथ मैं ऐड कर दूँगी बॉईल किया हुआ मेरा तड़के का जो दाल है, वो मैंने साइड में कुकर में बॉईल करके ऑलरेडी रख दिया है, अभी उसको ही मिक्स करना बाकी है। और ये देखिए मेरा तड़का
इस तरह से मेरी तड़के की तैयारी हो गई है, तड़का ऑलमोस्ट रेडी है, तैयारी नहीं हो चुकी है, ऑलमोस्ट वो बन गया है। अभी मैं इसको थोड़ा सा मतलब पकने के लिए रख दूँगी थोड़ी देर। और ये लीजिए, हम लोग की तड़का एकदम रेडी है और हम लोग अभी फिलहाल डिनर कर लेंगे। तो चलिए, डिनर कंप्लीट हो चुका है, मेरी किचन का जो काम है वो भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। अभी मैं थोड़ा सा गर्म पानी पी रही हूँ और उसके बाद करेंगे सोने की तैयारी। तो चलिए, आज का व्लॉग भी मैं यहाँ पे ख़त्म करूँगी। आई होप आप लोगों को आज का ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसको, हमारे इस चैनल को एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो चलिए, टेक केयर, टाटा एंड गुड नाइट।